तक्षक अपनी साधना हुई तो उन्होंने देखा बाजू में कर्णफूल नहीं है। उत्तम को बहुत घबरा गया कि मैं गुरु दक्षिणा नहीं दे सकता। उसने अपने गुरु का स्मरण किया, प्रभु इतना बता दो मेरे प्राण त्याग कर भी उन कर्णफूलों को लाऊंगा, लेकिन कहाँ गए? उनको वो विद्या दी गई थी। उनने कहा कि तेरे कर्णफूल पाताल लोक में तक्षक ले गया है। अब उन्हें कहा कि पाताल लोक जाएंगे तो कैसे जाएंगे, पाताल लोक जाने का कोई मतलब ही नहीं। फिर भी उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लेकर भूमि खोदना शुरू कर दिया। यह भूमि खोदते तो 3 दिन के बाद भी 3 गड्ढे 3 हाथ भी गड्ढा खोदा नहीं हुआ। पाताल लोक कब जाएंगे? तंग आ गए। उन्होंने अपने गुरु को स्मरण किया और कहा प्रभु मैं मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक पाताल पहुंचूंगा या नहीं जाता, लेकिन प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा, मैं कर्म करूंगा, इसको खोदता रहूंगा। जैसा मैंने अभी आपको कहा, जो गुरु कार्य में श्रेष्ठ है, जो गुरु कृपा प्राप्त करता है, देवता भी उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो ऊपर से इंद्र और अग्निदेव जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक इतना दिव्य पुरुष जो एक गड्ढा खोद रहा है, किस लिए खोद रहा है? इंद्र और अग्निदेव दोनों आए और उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं पाताल लोक को जाने का मार्ग कर रहा हूं, खड्डा खोद रहा हूं। तो दोनों हंस पड़े, ये खोदते खोदते तू पाताल लोक कब जाएगा, जा सकता है क्या? तो उन्होंने कहा ये तो मेरे ऐसे होने वाली बात नहीं है। तब इंद्र ने कहा तू गुरु का शिष्य है और हम इंद्रादि देवता यक्ष गंधर्व जो गुरु को प्रसन्न करता है अगर उसका कार्य करते हैं तो हम 1000 वर्ष हम भी सुख को अनुभव करते हैं, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूं। ऐसा इंद्र ने कहा। देखो गुरु की महिमा कितनी होती है। इंद्र आकर उनको सहायता करने के लिए आए और कहा कि तू गुरु का भक्त है इसलिए मैं तेरी सहायता करता हूं। और इंद्र ने अपने वज्र से एक बार पृथ्वी को मारा, देखते कि वो पाताल तक खड्डा हो गया, पाताल दिखने लगा। इंद्र कहते हैं कि आज तुम्हें इंद्र ने तो सहायता दी लेकिन पाताल में तुम तक्षकों से झगड़ नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हें अग्निदेव को दे रहा हूं, तुम्हारे साथ अग्निदेव आएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। अग्निदेव उस उत्तंक शिष्य के साथ पाताल लोक में चले गए और तक्षक के पास जाकर बोले हे तक्षक तूने कर्णफूल ये जो बैठा था उसको तूने चुराया और वो कर्णफूल दे दे, वो अपने गुरु को समर्पित करना चाहता है, गुरु माता को समर्पित करना चाहता है। तक्षक पहले तो नाकार नुकार कर रहा था लेकिन अग्निदेव ने कहा मुझे पता है कि वो कर्णफूल तेरे पास ही है, अगर नहीं दिया तो तुझे भस्म कर दूंगा। उसने तत्काल तक्षक ने लाकर कर्णफूल उनको दे दिए। कर्णफूल को लेकर उत्तंक बहुत प्रसन्न हो गया और अग्निदेव को नमस्कार करने लगा। अग्निदेव ने कहा जो गुरु भक्त होता है हम देवता उसकी सहायता करते हैं तो हम 1000 साल सुखी रहते हैं, जो गुरु को प्रसन्न करता है उसके साथ उसको देवता प्रसन्न होकर बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि तुम ये लेकर जाओ। और कर्णफूल लेकर उत्तंक आया और अपनी गुरु माता के पास देते हुए कहा माँ ये कर्णफूल जो तुमने मांगे थे। वशिष्ठ महर्षि के कहने पर उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि तू गुरु को प्रसन्न करने वाला शिष्य है, तूने गुरु दक्षिणा के रूप में मांगे हैं इसलिए हम ये दे रहे हैं। और कर्णफूल जैसा ही अहिल्या माता को उन्होंने प्रदान किया और कहा कि माता गलती से भी इन कर्णफूलों को कहीं ऐसा वैसा नहीं रखना, रखने से ये बहुत महिमामय है ऐसा माता अरुंधति ने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन आपको पता है अहिल्या पर मोहित हुए थे इंद्र और इंद्र मोहित हुए थे जब गौतम महर्षि गए तो अहिल्या उस समय उन कर्णफूलों को धारण करके वो भी स्नान करने के लिए कर्णफूल निकाल कर रही थी और उसका उस समय देखकर इंद्र आए और माता अहिल्या को उन्होंने छेड़ने की क्रिया की। बाद में जो हुआ आपको सब पता है, अहिल्या पत्थर के रूप में बदल गई और इंद्र को श्राप मिला। मैं यही कहता हूं कि जो बात कही गई है ये अपन गुरु कृपा से जो बात कही गुरु कृपा से करेंगे आप तो आपके पास देवता को आना ही होगा, गुरु प्रसन्न हुए तो देवता तुम्हारे सामने खड़े हैं। लेकिन गुरु योग्य गुरु का चयन करना भी उतना ही जरूरी है। योग्य गुरु तपस्वी होना चाहिए, योग्य गुरु निष्ठावान होना चाहिए, योग्य गुरु में सबकी रक्षा करने की शक्ति होनी चाहिए। कम से कम अपने पत्नी के साथ अगर वो 1000 लोगों की रक्षा करने की शक्ति रखता है, उनके भले बुराए में खड़े रखता है तो वो स्वयं कृष्ण है, वो स्वयं देवता है और उसके पास देवता आएंगे। हाँ उसको को उसका भेद करेंगे या उसको निष्ठावान न देखते हुए उसके ऊपर उसके बात पर अनुमान करेंगे संशय करेंगे तो उनका उद्धार भी नहीं होगा। यह भी ऐसा ही हुआ क्योंकि वो चाहता है, उसका क्या स्वार्थ है तुम्हारे खिलाने में तुम्हारे पिलाने में तुम्हें रखने में, 1 मिनट में तुम जा सकते, तुम्हारे को अच्छा नहीं लगता निकल जाओ, उसका क्या है? कृष्ण को छोड़ के जाने से कृष्ण किसी को रोका?
कृष्ण के पास भी गोपिकाओं साथ की विरजा नाम की एक स्त्री थी। वो विरजा राधा को कहती थी कि तुझे कृष्ण प्रेम नहीं करता, वो बहुत सारे स्त्रियों से घूमता है, तू उसको समझती हो कि वो तुझे प्रेम कर रहा है, ये बात गलत है। और राधा कहती थी कि वो किसके साथ प्रेम करता है उसके साथ लेना देना नहीं है, वो मेरे साथ प्रेम करता है बस है, और मैं उसको प्रेम करती हूँ। इसके सिवा वो हजारों स्त्रियों के साथ रहे, मेरे को उसके साथ कुछ लेना नहीं, मैं उसको प्रेम करती हूँ और वो मेरे से प्रेम करता है। और राधा का नाम कृष्ण के साथ जुड़ा रहा। बहुत सारे ऐसे गुरु शिष्य हैं जिनका नाम आज भी गुरु के साथ, शिष्यों के साथ नाम लिया जाता है। वो क्या प्रेम था? हम निंदा करना हमारी एक आदत सी पड़ गई है कि किसी के ऊपर कुछ भी लांछन उठा के लगा देना, हम उसके भावनाओं को देखते नहीं। क्यों वो तुम्हारे को पाले, तुम्हारे को रखे अपने पास, तुम्हारी अच्छा बुराई में वो खड़े रहे, क्यों रहे, क्या स्वार्थ है उसका? कृष्ण गोपिकाओं को अपने साथ लेकर पति के रूप में था, तो गोपिकाएं इतनी बीमार थी अपने उसके कंस के जेल में रहकर कि उसको खाना भी ठीक तरीके से नहीं देता था। वो 16,000 गोपिकाएं थी तो उनको उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उनको अपने पति के रूप में उन्होंने रक्षा की। कृष्ण ने क्या गलती की उनकी रक्षा करने में? क्या वो गोपिकाएं ऐसा ही कहें जो विरजा ने कहा था? बाद में विरजा को पश्चाताप करके राधा ने कहा तुझे प्रेम करना नहीं आता, हम किसी वृक्ष को प्रेम करते हैं, किसी पत्थर को प्रेम करते हैं, तो उस पत्थर को पूजने वाले और 10 लोग भी होते हैं, लेकिन तुम पत्थर को पूज करते हो और पत्थर तुम्हें चाहता है तो वो उस पत्थर की पूजा का तुम स्वीकार करते हो, तुम उसके साथ लाभ पाते हो। क्या पत्थर को, एक ही पत्थर के शिवलिंग कोई 1,000 लोग पूजा नहीं करते क्या? आज हम ज्योतिर्लिंगों में जाते हैं, हजारों लोग पूजा करते हैं, लेकिन कितने लोगों को कितना फायदा होता है? एक पेड़ से तुलसी से प्रेम करते हो, उस तुलसी को 1,000 लोग पानी डालने वाले होते हैं, तो क्या वो तुलसी तुम्हारी ही रहनी चाहिए, दूसरों को नहीं मिलनी चाहिए? ऐसा कुछ है? वरदान है। हम तुम्हारे प्रेम को देखो, उनके साथ प्रेम करते हो या नहीं, तुम्हें ये देखना नहीं कि वो तुम उसको किसके साथ प्रेम करता है, वो तो उसका कर्तव्य है, वो हजारों लोगों के साथ प्रेम करेगा ही, हजारों लोगों की अच्छी बुराई देखेगा ही। यही बात कृष्ण के साथ हुई। और विरजा जब गई तो राधा ने बहुत समझाने पर भी वो नहीं सुनी, और हर जन्म में विरजा को विरह सहना पड़ा। ना उसकी शादी हुई, ना वो किसी अपने माँ बाप के साथ रही, क्योंकि उसके साथ प्रेम नहीं था, उसने कृष्ण की निंदा की थी। उसके 3 जन्म भी उसने वैसा निकाला, तो 3rd जन्म में फिर भी राधा बहुत तंग आकर राधा से प्रार्थना की कि मैंने कृष्ण की निंदा की है, कृष्ण जो सबके लिए उन्होंने अपना जीवन दान किया था, हे राधा मुझे कुछ मार्ग बता। तो विरजा के कृष्ण ने कहा एक बार कृष्ण भक्ति में रम जा, तो कहा कि एक तुमसे प्रार्थना करती हूँ, अगला जन्म मेरे कृष्ण भक्ति में रमने का मुझे दो। तो मामूली बात नहीं, इसकी परीक्षा होगी। उनने कहा परीक्षा मैं तू ही पास कर सकती है, मुझे उत्तीर्ण तू ही कर सकती है, मैं उस परीक्षा में रहने गई हूँ। और वही 3rd जन्म में मीरा के रूप में जन्म ली। पति होने के बाद भी अपना घर संसार सब छोड़ा, सास ससुर सब छोड़े और केवल कृष्ण भक्ति में रही। और आज भी चित्तौड़गढ़ में कहा जाता है उसकी जो कृष्ण की मूर्ति है उसमें वो विलीन हो गई, और उसका आंचल आज भी उस कृष्ण के सामने रहता है और वो कृष्ण में लीन हो गई। ये मैं बात क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि हमें पत्थर को भी निंदा करने की, वृक्ष को भी निंदा करने की हमारे में आदत है। हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हम तोड़ने वाले, मंदिरों को तोड़ा गया वो कुछ नहीं करता रहा। अरे तू प्रेम करना, तोड़ने वाला तो तोड़ा गया, मारने वाले तो मार के चले गए, तू प्रेम करना, तुझे चाहिए ना, तू जो चाहता है। जैसा द्रौपदी ने अपने चीर हरण के बाद कृष्ण से एक ही बात पूछी थी, कृष्ण मुझे कुछ भी हो, मैं इस अन्याय करने वाले पर, स्त्रियों के ऊपर जो अनाचार करते हैं उसको तुम शिक्षा दो। और कृष्ण ने वचन दिया कि आज के बाद मैं मेरे 16,000 गोपिकाओं के साथ याद रखा केवल यही कार्य करूंगा और उन अन्यायी लोगों को मारूंगा, और कुरुक्षेत्र का युद्ध मैंने अभी आपको बताया। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि इस प्रकार उत्तम जैसा अभी मैंने शिष्य से के रूप में कहा, वो अपने अरुंधति के पास से वो कर्णफूल लाकर अहिल्या को दिए और अहिल्या ने उस कर्णफल को दिया। इस प्रकार की गुरुदक्षिणा और उस उत्तंक महर्षि के बारे में जाना जाता है कि वे आगे चलकर भगवान के रूप में पूजे गए। उनको पृथ्वी लोक पर नहीं तो उनको स्वर्ग में पूजा जाता है। इंद्र ने कहा था कि स्वर्ग में पूजा जाएगा क्योंकि तूने गुरु से उतना प्रेम किया है और गुरु की गुरुदक्षिणा, गुरु को भूरी भूरी दक्षिणा तूने प्रदान की। यही बात हम आगे कहते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे समस्याएं अपने पास आती। एक बार रावण अपने पास अपने अहंकार के कारण शिवजी के पास गया और उन्होंने गलती से माता पार्वती उमा को देख लिया। उसे लगा शिव क्या मेरा बिगाड़ेगा और उसने उमा की चाह की कि मैं उमा को ले जाऊंगा। जब ये बात उमा ने देखा
तो उमा ने उसको एक लात मारी रावण को, रावण नीचे आकर गिर गया। रावण को गुस्सा था, वो तो तपस्वी था, उसको गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा ये पर्वत को उखाड़ के फेंक दूंगा, हिमालय के पर्वत को।